प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर कांगड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय महाजन, राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा, विधायक पवन काजल, विधायक आशीष बुटेल, प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया व जिला कोषाध्यक्ष करण पठानिया ने जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से राज्यपाल को न्यायिक जाँच कराने का एक ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इस कोरोना वायरस की महामारी में देश प्रदेश की जनता संकट से जूझ रही है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के नाक के नीचे स्वास्थ्य विभाग में घोटाले उजागर हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के पीछे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, जबकि सरकार में मुखिया ने अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं घोटाले के तार तो बीजेपी के नेताओं से जुड़ रहे हैं। पठानिया ने कहा कि पिछले 2.5 सालों में जो भी स्वास्थ्य विभाग में खरीद फरोख्त हुई है उसकी सरकार जांच करवाए। पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को भारी तूफान से आलू, आम, लीची की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना करवाकर किसानों को मुआवजा प्रदान करे और प्रदेश के मध्यम वर्ग और गरीब जनता के बिजली के बिल माफ किए जाएं, जिससे इन वर्गों को राहत महसूस हो सके। आज आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी के दिशा निर्देश अनुसार जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल को जिलाधीश के द्वारा सौंपा, जिसमें हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजय महाजन जी, पूर्व मंत्री AICC के सेक्रेटरी सुधीर शर्मा जी, पवन काजल जी उपाध्यक्ष और वर्तमान विधायक, महामंत्री आशीष बुटेल जी और वर्तमान विधायक, हमारे पार्टी के ट्रेजराज करण पठानिया जी, सभी लोगों ने आज जो है महामहिम जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन के जरिए ये मांग की कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य घोटाला हुआ है और कोरोना वायरस की इस महामारी में उसकी सिटी जन से इंक्वायरी की जाए। उसके साथ साथ जो भी पिछले 2.5 साल से स्वास्थ्य विभाग में खरीदो फरोख्त हुई है उसकी भी जाँच की जाए। इसके साथ साथ जो हाल ही में फसलों का नुकसान बारिश से हुआ है उसकी असेसमेंट करके, खासकर आलू, लीची और आम का जो नुकसान हुआ है, 2 दिन पहले ही किसानों को, जो बागवानों को जो है उनका मुआवजा दिया जाए, और बिजली का बिल भी एक आतंक बढ़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो गरीब परिवार हैं उनके बिजली के बिल जो है वो माफ़ किए जाएँ। तो कुल मिलाकर जो वर्तमान में COVID-19 में इतना बड़ा महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि इतने बड़े महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को जो है उसकी का देना पड़ा है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला जो है प्रदेश सरकार में चल रहा है। इसलिए कांग्रेस कमेटी ने ये मांग की है कि इसकी इंक्वायरी जो है सिटी जेल से करवाई जाए।